दोस्तों, दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमने केवल तस्वीरों या फिर फिल्मों में ही देखा है, लेकिन क्या हो अगर आप उन सभी चीजों को हकीकत में भी देख पाए उनका भयानक विशाल और दिलों को दहला देने वाला रूप, जिसे देखने की इजाजत वहाँ की सरकार भी नहीं देती, क्योंकि वहाँ जाना मानो अपनी जान को 100% मौत के मुँह में डालने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के उन जिंदा ज्वालामुखी के बारे में, जिनके बारे में जान आप सभी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक ज्वालामुखी को देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। माउंट एटना, दुनिया का सबसे पुराना जिंदा ज्वालामुखी, जो कि 1500 BC से लेकर आज तक आग के लपटों में जल रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं ज्वालामुखी की ताकत के बारे में, तो आपको बता दें 2 मार्च 1969 को के अलावा भी 160 किलोमीटर दूर बसे शहरों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। सोच के देखिए कितना दर्दनाक होगा वो मंजर, जिसे याद करके आज भी इटली के लोग डर जाते हैं। और अगर आप भी इस चलते हुए ज्वालामुखी को देखना चाहते हैं, तो आप इसे वहां जाकर या इसे दूर से ही चलती हुई ट्रेन से देख सकते हैं। पिटॉन वोल्केनो, 2.5 किलोमीटर लंबा ये ज्वालामुखी असल में 5 लाख साल पहले से लेके अब तक आग की लपटों में चल रहा है। और अगर आप बात करें जगह की खूबसूरती के बारे में, तो ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि दे रखी है। आपको बता दे, ये ज्वालामुखी आज के समय का सबसे गर्म ज्वालामुखी है, और जिसके कारनामे आप भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन नजदीक से नहीं बल्कि मीलों दूर से, क्योंकि जलते हुए ज्वालामुखी के नजदीक जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। माउंट वोल्केनो, पैसिफिक समुद्र का लाइट हाउस माने जाने वाला ये ज्वालामुखी असल में दुनिया का इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जिसे आप नजदीक से जाकर देख सकते हैं, लेकिन इससे भी कई लोगों का मन नहीं भरता। तभी कुछ समय पहले इस ज्वालामुखी को देखने आए 3 लोग इसे नजदीक से देखने के लिए इसके नीचे ही चले गए, और उफलते लावा की चपेट में आते ही मानो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, जैसे कि वो कभी वहाँ गए ही ना हो। अगर आपको भी इस चलते हुए ज्वालामुखी को बड़े करीब से देखना है, तो आप फरवरी से अप्रैल यानी कि गर्मियों के महीने में इसे वहाँ जाकर बड़े नजदीक से देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, इसके ज्यादा नजदीक जाना अपनी जान को जोखिम में डालने के अलावा और कुछ नहीं है। निसायरोस वोल्केनो, ग्रीस में मौजूद 6 जिंदा ज्वालामुखी में से एक निसायरस ज्वालामुखी, जिसे ग्रीस के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। लोगों द्वारा इस ज्वालामुखी को देखे जाने का कारण ग्रीस की खूबसूरती को माना जाता है। लेकिन अगर आप बात करें ज्वालामुखी के बारे में, तो 8 किलोमीटर के दायरे में फैला ये ज्वालामुखी असल में एक ज्वलनशील ज्वालामुखी है, जिसमें से कई तरह की जहरीली गैस निकलती है, और इसी वजह से यहाँ की सरकार किसी भी व्यक्ति को इसके ज्यादा नजदीक नहीं जाने देती। दोस्तों, क्या आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक ठंडे इलाके, जहाँ लोगों का रहना तो दूर सांस लेना भी मुश्किल है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।